पी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। लालू यादव से मुलाकात कर बाहर निकले जनता दल यूनाइटेड के MLC जावेद इकबाल अंसारी ने कहा कि करीब एक साल से मेरी कोशिश थी कि लालू यादव से मुलाकात हो और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले सकूं। अभी फिलहाल लालू यादव कमजोर लग रहे हैं, उनकी सेहत अच्छी नहीं है। मैंने लालू जी को सेहत पर ध्यान देने को कहा है। वहीं आगामी बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में अभी दो धाराएं बह रही हैं, एक तरफ बीजेपी की तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की। जेडीयू में होते हुए भी लालू यादव से मुलाकात करने के सवाल पर कहा कि मैं जदयू में हूँ, लेकिन मैं हमेशा से लालू यादव से मुलाकात करते आ रहा हूँ। अभी बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। नीतीश कुमार भी अच्छे लीडर थे, लेकिन अभी नीतीश कुमार की क्या स्थिति है किसी से छुपा नहीं है। मेरा राजनीतिक जीवन लालू यादव की देन है। क्या बात देखिए लालू जी, आप लोग तो जानते हैं कि मैं पहले भी लालू जी के साथ था और लालू जी के रिजिम में मैं 3 बार MLA बना, मंत्री भी रहा समझे, और मैं आज एक साल से लगभग कोशिश कर रहा था उनकी सेहत के बारे में जानकारी लें, उनका सेहत मेरा फर्स्ट तक मैं उनसे जाके मिलूँ, तबियत खराब है तो, और मैं आज मुझे मौका मिला मिलने का, मैं मिला। सेहत तो उनकी ठीक नहीं है, वो बहुत अच्छे नहीं है समझे, और मुझे देख करके बहुत अजीब से लगा कि मैं इतने दिनों के बाद मिल रहा हूँ, और पहले आना चाहिए, मुझे मौका ही नहीं मिला पाने का। और जहाँ तक है लालू जी का हमेशा आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा है, उनके साथ बहुत सेहत अच्छी नहीं है अभी, सेहत स्वास्थ्य देखने से बहुत कमजोर लग रहे हैं। स्वास्थ्य जो पहले उनका जो बोल्डनेस रहता था, निसंदेह सेहत उनकी अच्छी नहीं है समझे, और सेहत पर हम पूछे भी सर सेहत पर ध्यान दीजिए, आप छोड़िए सब पॉलिटिकल बात तो होती रहेगी बाद में, लेकिन सेहत पर ध्यान दीजिए। बिहार में चुनाव को लेकर क्या बातें हुई, आने वाले चुनाव है बिहार में, चुनाव लेकर चुनाव पूरी तरह से दो धारे में पूरा बिहार बटा हुआ है, और एक धारा निश्चित तौर पर NDA के पास है, एक धारा लालू जी के पास है, और इसी पर खेल हो रहा है। सर दिल्ली में भी इसको लेकर भी कुछ चर्चा की है, फंसा हुआ है? नहीं, दिल्ली को लेकर मेरा कोई चर्चा नहीं, राजद वहाँ भी चुनाव लड़ रही है। नहीं, वहाँ मेरे बारे में उनसे मेरी कोई बात नहीं हुई दिल्ली के बारे में, हम सिर्फ उन्होंने पूछा कि भाई कैसे हो जावेद, क्या हाल है, नहीं हमने सब बताया उनको, और मैं बोला सर आपका सेहत के बारे में पूछने आए थे, आपकी कैसी तबीयत ये जानने आए थे, और निसंदेह हमारा ये पुराना घर रहा है, और हम हमेशा से सहानुभूति हमारे साथ, हमारा इनके साथ रही, और उनका भी हमारे पर आशीर्वाद हमेशा रहा है, चाहे लालू जी हो चाहे राबड़ी जी हो, चाहे लालू जी या राबड़ी जी का आशीर्वाद हमेशा, हम जदयू में भी हैं तो भी उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे पास होता है, और हम उनसे मिले और वो उनका सर हम लोग आप जदयू में, जदयू का MLC हूँ, अभी मैं जेडीयू का MLC हूँ। क्या सर उम्मीद किया जाए आप जदयू में, जेडीयू में होने के बाद आप लोगों के पास तो आएंगी ना कोई ऐसी बात होगी तो खबर आएगी निश्चित तौर पर। अभी मैं लालू जी के सेहत के बारे में पूछने आया था, और इसे बिहार को अब जो है एक नए नेतृत्व की जरूरत है, एक युवा नेतृत्व की जरूरत है, और युवा नेतृत्व बिहार में आगे बढ़ेगा, इसमें नो संदेह, कोई मामले नहीं। नीतीश कुमार क्या खराबी है सर? मैं खराबी कहाँ किसी के बारे में बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई एक युवा नेतृत्व की आवश्यकता है। नीतीश कुमार जी भी अच्छे लीडर थे, अभी क्या है नहीं है वो तो आप लोग खुद जान रहे हैं, हमने बेटर जान रहे हैं, आप बताइए। मैं लालू जी का पैदा किया हुआ राजनीतिक में, मैं लालू जी का पैदा किया हुआ आदमी हूँ, लालू जी ने मुझे जन्म दिया है राजनीति में, और मैं लालू जी का सेहत पूछने, हाल चाल पूछने आया था, मुझे आज मौका मिला आने का समझे, मैं आप आज व्यक्तिगत तौर पर उनसे पूछने का है। नहीं, उन सब पे कोई बात नहीं, मैंने कहा था उसके बारे में पूछने आया था, वो सारा स्टैंड की बात पूछे।